नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। अभी जो है हम लोग अभी निकल चुके हैं, एक सिवरवनी का गांव है छेरापट्टी, वहीं पे जा रहे हैं। अभी हम लोग फिलहाल सिमरा में हैं, तो वहाँ पे मनीष कश्यप आए हुए हैं। हम लोग भी सोचे जाते हैं मनीष भैया से मिलेंगे, बातचीत कुछ करेंगे। अब देखिए वहाँ जाने के बाद बातचीत होता है कि नहीं होता है, वो बात की बात है। लेकिन जाएंगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ दिखा ही देंगे। वहाँ पे हुआ क्या कि एक घटना हो गया है। वहाँ पे जो एक रोड था छेरापट्टी में, वो बहुत दिन पहले पास हुआ था, लगभग 2014 में। तो वो रोड जब पास हुआ तो अभी 2022 में अभी तक बना नहीं है वो रोड। उसी गांव का एक आदमी है जिसका नाम बिमल मंडल है, जो कि नेता लीडर को वह चीज़ दिखाने के लिए, स्मरण में लाने के लिए उन्होंने एक अपने हाथ का जो है बलिदान दे दिया है, वही रोड में अपना हाथ काट लिया है। वही उसी का निरीक्षण में मनीष कश्यप आए हुए हैं। वहाँ पे अभी पूरा एकदम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जूनियर इंजीनियर सब आए हुए हैं, जेसीबी उसीबी सब आए हैं। वो भी देखिए तब आए हैं जब उस आदमी का हाथ कट गया है तब। हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ, देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है, क्या सीन है, आप लोग को भी दिखाते हैं। बस गुरु वीडियो में बनल रहिएगा, तब ना देखिएगा। वैसे फिलहाल अभी हम लोग सिमरा में हैं, आगे और बहुत सारा रास्ता एकदम मिलेगा, उसका भी व्यू आप लोग को दिखाएंगे। अभी जो आप ये घना जंगल देख रहे हैं सिमरा का, इसमें ढेर प्रकार का जो है, बहुत सारे प्रकार का जंगली जानवर रहते हैं, जैसे नीलगाय हो गया, भालू उलू हो गया, हिरन हो गया, यह बहुत प्रकार के यहाँ पे जानवर सब जो है दिखाई पड़ते हैं कभी कभी। हम लोगों ने भी देखा है, एक बार रात में जब हम लोग आ रहे थे तो ढेर सारे जो है नीलगाय के झुंड जो है यहाँ दिखाई दिया था। ये सिमरा का बहुत फेमस जंगल है, आप देख सकते हैं इधर इसको घेरा गया है जानवरों की संरक्षण के लिए। और हम लोग का भी कर्तव्य होता है कि गुरु जहाँ जंगली जानवर देखे उसका संरक्षण करें, क्योंकि वह अभी बहुत दुर्लभ हो गया। उसका मतलब इतना ये विलुप्त हो रहे हैं, इतना विलुप्त हो रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। देखिए मालिक, ये वही रोड है जिसके चलते जो हमारे बिमल जी जो है हाथ का बलिदान दे दिए हैं। आप देख सकते हैं रोड की स्थिति एकदम कितना कादो कीचड़ से बेहाल है। ये जो मालिक इधर उधर जो मीडिया वाला है उसी बीच में ये काम किया गया, देख रहे हैं एकदम कादो मिट्टी उठा उठा के डाल दिए हैं, जो मन हुआ सो। क्या बताएंगे मालिक, आजकल सब जगह भ्रष्टाचार फैल गया है, सब जगह। देखिए मालिक मनीष कश्यप, हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, अभी कुछ बातचीत कर रहे हैं, उससे भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, बस अगर मुझे मानते हैं तो किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कीजिए, चाइनीज नहीं होना चाहिए, बस ठीक है, नहीं करूंगा। क्योंकि मनीष कश्यप का पापा ये आर्मी है, चाइनीज का ना, जी ठीक है, बस छोड़ दे, दूर से देख सके चला जा। क्या बोल रहे हो, मैं इन तमाम लोगों के सामने ये कह रहा हूँ कि आप दो बोलेंगे ना, दो दिन बाद आइए, आके बैठी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप बोल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो समाज में मैं आया हूँ यहाँ पे, और जिस परिधि में मैं आया हूँ, जिस पर्यावरण में आया हूँ, यहाँ औरतें ऐसे झांकती हैं और आप ऐसे यहाँ रोने लगती हैं। हमारे सवालों का जवाब दी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। जेपी आंदोलन के उपज बहुत सारे नेता हैं, और हालांकि शुरुआत के दिनों में उन सभी ने अच्छा काम किया था। जयप्रकाश नारायण ने जब ठाना था तो सभी लोगों ने, जितने विधायक थे उनमें से ज्यादातर इधर से थोड़ा सा पीछे, इधर से पीछे इधर थोड़ा टेबल इधर घुमा दे, इधर छोटी नहीं नहीं इधर 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 इधर
किसी के मोबाइल के आगे किसी दूसरे किसी का मोबाइल ले आना चाहिए, इस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। एक मिनट सुनिए, जिनका